हेलो दोस्तों, आज के इस नॉलेजेबल और छोटे से वीडियो में हम सीखेंगे रोज़ बोले जाने वाले हिंदी शब्द जिनका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। आपको हर एक शब्द के बाद 5 सेकेंड का समय भी दिया जाएगा, जिसमें आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप कितने सवालों के सही मीनिंग जानते हैं ये भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। शपथ लेना शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शपथ लेना शब्द को इंग्लिश में टेक ओथ कहा जाता है। मेरुदंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरुदंड को इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। दोष देना शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? दोष देना शब्द को इंग्लिश में ब्लेम कहा जाता है। क्या? ब्लेम। अवसर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अवसर को इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। क्या? अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। शॉक संदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉक संदेश को इंग्लिश में कंडोलेंसेस मैसेज कहा जाता है। क्या? कंडोलेंसेस मैसेज कहा जाता है। भव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भव्य को इंग्लिश में ग्रैंड कहा जाता है। क्या? ग्रैंड। चिड़चिड़ा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चिड़चिड़ा को इंग्लिश में इरिटेबल कहा जाता है। क्या? इरिटेबल कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में एपिकल्चर कहा जाता है। क्या? एपिकल्चर। दीमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दीमक को इंग्लिश में टर्माइट कहा जाता है। क्या? टर्माइट कहा जाता है। घेरना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? घेरना को इंग्लिश में सराउंड कहा जाता है। क्या? सराउंड कहा जाता है। और आप भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर पाने के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।